जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो आज की रेसिपी है बैगन भाजा की। आप इसे मसाला बैगन फ्राई भी बोल सकते हैं। बैगन भाजा बंगाली रेसिपी है। बंगाल में इसे चावल दाल के साथ और फुलके के साथ सर्व किया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे किसी तरीके से भी सर्व कीजिए, चावल दाल के साथ सर्व कीजिए या रोटी के साथ सर्व कीजिए या किसी भी तरीके के तरी के साथ सर्व कीजिए, ये खाने के स्वाद को दो गुना, तीन गुना नहीं, चार गुना बढ़ा देता है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी बैंगन भाजा स्टार्ट किया जाए। बैगन भाजा बनाने के लिए हमने इस तरीके का बैगन लिया है। गिनती में ये सात है, मगर एक बैगन काफ़ी छोटा है तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। छह बैगन को यूज़ करेंगे और वजन में ये आधा किलो बैगन है। हमें बैगन को कट बाद में करना है, पहले धोना है। तो हमने बैगन को धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब बारी है बैगन के मसाला बनाने की। तो सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, फिर बैगन को कट करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने एक बाउल में एक बड़ा चम्मच लिया है बेसन। डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि बैगन भी हमारा आधा किलो है। डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। डालेंगे मिर्चा पाउडर, एक चौथाई चम्मच या एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। डालेंगे अमचूर पाउडर टैंगी फ्लेवर के लिए, और डालेंगे नमक स्वादानुसार। सभी मसालों को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी है बैगन को कट करने की। तो पीछे का जो ये डंठल निकला हुआ है, इसे हम इस तरीके से कट करके निकालेंगे। और कतली में काटना है बैगन को, क्योंकि हम इसे तावे में फ्राई करेंगे। तो बैगन को इस हिसाब से आधा आधा इंच की इसकी मोटाई होनी चाहिए ऐसे, और गोल गोल कतलियों में सारे बैगन को हमें काट लेना है। देखिए कुछ ऐसे। बैगन खरीदते समय ध्यान यह दें कि फ्रेश बैगन उठाएं। ये सब्जी में बीज वाला बैगन में कड़वापना आ जाएगा। अगर आप बिना बीज का फ्रेश बैगन उठा रहे हैं तो उसकी सब्जी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बैगन की कतलियाँ हम काट चुके हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया था, बैगन को इस तरीके से कोटिंग कर करके एक एक करके सारे बैगन को इस तरीके से लगाना है। सारी कतलियों को इस तरीके से मसाले से कोटिंग कर करके हम प्लेट में जमाते जाएंगे। बैगन की सारी कतलियों में हमने मसाले लगा के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, क्योंकि मसालों में हमने नमक डाला हुआ है। तो नमक बैगन से पानी को रिलीज करेगा और बैगन में मसाला चिपक जाएगा, जिससे फ्राई करते समय हमारा मसाला तावे पे या कढ़ाई पे नहीं आएगा, वो बैगन में ही चिपका रहेगा। देखिए, पानी रिलीज करने की वजह से मसाला अपने आप बैगन में चिपका हुआ है। तो हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर छोड़ना है। तो अब बारी है बैगन को फ्राई करने के लिए। तो हमने पैन यूज किया है। पैन में डाल रहे हैं कच्ची घनी सरसों का तेल। तेल के गरम हो जाने के बाद हम एक एक बैगन की कतलियां उठाते जाएंगे और इस तरीके से लगाते जाएंगे। बैगन फ्राई रेसिपी बोलिए, चाहे बंगाल का बैगन भाजा रेसिपी बोलिए, ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और कुछ भी मेहनत नहीं है इसमें। इसे पकाने में एक साइड 4 मिनट, दूसरे साइड 4 मिनट, यानी 8 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। मसाला बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं है। हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला मिला के बस लपेटना है। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अपने घर में एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। एक बात और कि आपकी सब्जी कैसे बन रही है, इसका पूरा दामोदार जो भी कहते हैं, वो उसके मसाले
डिसाइड करते हैं, आप इसमें गरम मसाला अच्छा से डाल रहे हैं, अमचूर पाउडर स्वादानुसार डाल रहे हैं, नमक सही से डाल रहे हैं, मिर्च सही से डाल रहे हैं, तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी और इसका टेस्ट एकदम माइंड ब्लोइंग आएगा। तो आधा किलो बैंगन में हमने दो पैन बैंगन भाजा तो बना लिया है। बैंगन को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिए, हाई बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपका बैंगन जल जाएगा और थोड़ी देर बाद ही चिमटे की मदद से हमें कुछ इस तरीके से पलटना है। सारे बैंगन को हमें अलट पलट के सेकना है। ये दिखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये खाने में कितनी टेस्टी होगी, ये पराठे के साथ रोटी के साथ कैसे जाएगी। एक साइड पूरा पलट चुके हैं, अब दूसरे साइड पकने में 2 या 3 मिनट बाद फिर से इसे पलटेंगे और हमारी बैंगन भाजा रेसिपी हो जाएगी डन। क्योंकि सब्जी दो फ्राई पैन तैयार हो रही है तो बस इस तरीके से दूसरे पैन को भी पलटना है। दूसरे साइड पलट के भूंजते कम से कम 7 मिनट, 5-7 मिनट हो गया है और ये धीमी आंच में अच्छे से पक रहा है। हमारी सब्जी तैयार हो गई है, बस इसे हमें दूसरे पैन में भी सब्जी है उसे अलट पलट के भूंज रहे हैं, ये तो लगभग डन ही नजर आ रही है। दूसरे पैन में जो बैंगन की कतलियां हैं थोड़ी सूखी सूखी लग रही हैं, तो पलटने से पहले इसे हम सरसों के तेल से ग्रीस करेंगे इस तरीके ऊपर के साइड और फिर से पलट लेंगे। बैंगन को भूंजते धीमी आंच में 10 मिनट हो गया है अलट पलट के और हमारा बैंगन पूरी तरीके से दोनों साइड से डन है, आप देख सकते हैं। देखिए हम दोनों साइड दिखा रहे हैं, बैंगन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भूंज भी चुका है और पक भी चुका है। तो फ्रेंड्स, बैंगन भाजा की रेसिपी आज की होती है डन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक न्यू और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।